ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरा, जब हम बैठेंगे, बैठना हमारा ज्यादा होता है, राइट? तो बैठते समय हम तीन चार प्रैक्टिसेस कर लें। पहली प्रैक्टिस, बैठते समय मैं भृकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, मेरा ये शरीर जमीन पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है या सोफे पे बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूँ। दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ, जैसे बाबा परम धाम में बैठे हुए हैं, मैं भी, मेरा तन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ, बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे। बस एक प्रैक्टिस की बात है, अपने आप को ट्यून करने की बात है। एक बार यदि अभ्यास हमें लग गया, इसकी टेव लग गई, तो ये नेचुरल होता रहेगा, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइकिल जब चलाना सीखते हैं, फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं, तो बहुत ध्यान रख करके धीरे धीरे करते हैं, और एक बार आदत हो जाती है तो फिर साइकिल भी हाथ छोड़ करके चलाने लगते हैं, या गाड़ी चला भी रहे हैं लेकिन फिर फास्ट भी चलते हैं, लेकिन वो कंट्रोलिंग भी रहती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम यही चीज़ हमारी योग में भी है, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए सहज होता जाएगा। तो दूसरी प्रैक्टिस, बैठते समय मैं परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ। तीसरी प्रैक्टिस, बैठते समय मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ हूँ, मम्मा बाबा मेरे दोनों तरफ, जो हमारे आदि रत्न है वो भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, मैं भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर सारे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूँ, सुख शांति शक्ति की सकाश पूरे कल्प वृक्ष को दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करेंगे, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। चौथी प्रैक्टिस करेंगे, बैठे हुए मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूँ, बाबा की गोद में। देखें डायमंड हॉल में जैसे बाबा आए हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, और जैसे बाबा मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे ज़मीन पर क्यों बैठते हो, बाबा की गोद में बैठो। तो बाबा की गोद पसंद है ना, बैठेंगे ना बाबा की गोद में। वैसे साकार में तो वैसे संभावना नहीं होगी, लेकिन सूक्ष्म में बाबा हमें आह्वान करते हैं, ऑफर करते हैं, आओ बच्चे बाबा की गोद में बैठो। तब कहाँ बैठेंगे? तो ये चार सिंहासन मधुबन की तरफ से आपको सौगात में। पसंद है ना, पसंद है ये चारों सिंहासन? तो अब से इन सिंहासनों पर ही बैठेंगे। राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर। तो भृकुटी सिंहासन पर, परम धाम में, कल्प वृक्ष की जड़ में और बाप दादा की गोद में, यहाँ हम बैठेंगे। जब भी बैठेंगे अपने आप को तुरंत कहाँ बैठे हो अभ्यास में ले आए।